एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कहते सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो कहते सरकारी है वो जमीन हमारी है। एक नया फरमान जारी किया है, सर्कुलर जारी किया है, उस सर्कुलर की वजह से पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में, गांव शहर में हाहाकार मचा है। और हमारा सवाल है, क्या यही हमने मांगा था इस सरकार से? क्या यही अच्छे दिन का पैगाम है इस सरकार से? आज एक ऐसा कदम जो सोचा भी नहीं था हमारे आवाम ने, किसान ने, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी है जमीन के हक को हासिल करने के लिए, आज जम्मू शहर में भी हाहाकार है, श्रीनगर शहर में भी हाहाकार है। और हाहाकार क्या, छोटी बस्तियों को भी गिराया जा रहा है, नोट से भेजी जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। बजट के वक्त हमें उम्मीद थी के लिए कोई पैगाम होगा, सब्सिडी मिलेगी पेस्टिसाइड्स पर, खाद पर, अपनी फसल की कीमत को बढ़ाने का कुछ कहा जाएगा, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात कही होगी। आज पैसा नहीं है इस सरकार के पास, खजाना खाली है, किसान के लिए भी, मजदूर के लिए भी, छोटे दुकानदार के लिए भी, नौजवान के लिए भी। महंगाई है, बुलडोजर है, दम किया है, जमीन से बेदखली के लिए कानून है। लेकिन एक बात आज हम कह देते हैं, डोगरा बहादुर लोग, कश्मीर के लोग, कश्मीरी लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे किसी भी सियासी पार्टी के साथ क्यों ना ताल्लुक हो, ये वोट बटोरने का सवाल नहीं है, ये रोजी रोटी बचाने का सवाल है, ये हमारे आवाम के वजूद का सवाल है। हाहाकार मची है आज हर जगह, मालूम नहीं कि अकल कहाँ गई, तमीज कहाँ गई, इस एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई कायदा नहीं। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं, इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल चलो, स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।